मोरबी में हुए हादसे में 134 लोगों की जान चली गई। कल भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा, लेकिन गिरफ्तार हुए 9 लोग कौन हैं? कोई उस कंपनी का मैनेजर है जिसने पुल की मरम्मत की, कोई मरम्मत करने वाला ठेकेदार है, कोई टिकट क्लर्क है तो कोई सिक्योरिटी गार्ड है। मतलब पुलिस ने शुरू में ही ये मान लिया कि हादसे के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जिनकी ड्यूटी वहां थी। मतलब उस नगर पालिका की कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिसे खबर ही नहीं है कि ये पुल मरम्मत के बाद आम लोगों के लिए खुल गया है। उन अफसरों की कोई जिम्मेदारी नहीं जिन्होंने फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया, लेकिन पुल तक सैकड़ों लोगों को जाने दिया। उस कंपनी के मालिक की कोई जिम्मेदारी नहीं जिसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था, उसने रिबन काट दिया। इस पूरी दुर्घटना में बहुत कुछ ऐसा भी हुआ है जो खुलकर बताया नहीं जा रहा है। कैसे रिपेयरिंग के नाम पर सिर्फ वेल्डिंग और पेंटिंग कर दी गई। हमारे दो सीनियर रिपोर्टर निर्णय कपूर और पवन नारा लगातार स्पॉट पर मौजूद हैं। उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखकर आप चौंक जाएंगे। पंद्रह सेकंड और सब कुछ खत्म। गुजरात के मोरबी में हुए हादसे का यह सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला वीडियो है। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। पुल टूटने के बाद लोग ऐसे ही लटके हुए थे, सैकड़ों लोग नदी में गिर गए, कुछ इस पुल के नीचे दबकर मर गए और कुछ लोग ऐसे ही लटके रहे, बचाने की गुहार लगाते रहे। चीख पुकार ऐसी थी कि तस्वीरें देखी नहीं जा रही। पर सवाल यह है कि इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है, किसकी लापरवाही से गई 134 लोगों की जान? क्या सिर्फ ज्यादा भीड़ की वजह से यह हादसा हुआ? भीड़ को रोकने का इंतजाम क्यों नहीं था? भीड़ बढ़ाने के लिए कौन टिकट बेच रहा था? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा घटनास्थल की तरफ रवाना हुए। जैसे ही हमारी टीम घटनास्थल पर पहुंची, हमें लापरवाही, लालच, झूठ, फरेब और धोखाधड़ी से रची गई साजिश की पूरी कहानी समझ में आ गई। हमारी पड़ताल में वो सारे सबूत मिले जो चीख चीख कर कह रहे थे कि पुल के ऊपर जानबूझकर सैकड़ों लोगों की भीड़ बढ़ाई गई, जिसकी वजह से यह दर्दनाक हादसा हुआ। मोरबी में जहां यह हादसा हुआ, 140 लोगों की जान चली गई, वहां हम मौजूद हैं और यहीं से इस पुल की शुरुआत होती है। यह पुल 100 साल से ज्यादा पुराना है और अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर पुराना वही है जो शुरुआत में था और यहीं से यह पुल शुरू होता है। इस पुल पर बताया जा रहा है कि 500 के आसपास लोग मौजूद थे और अगर आप यहां आगे आएंगे तो आपको ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि इस पुल की चौड़ाई लगभग 3.5 फीट है और यहां से अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहां नीचे गहराई लगभग 40 से 45 फीट रहती है और यही इसी वायर्स के जरिए हैंगिंग पुल था जिसे झूलता पुल कहा गया था। इसका रेनोवेशन हुआ था लेकिन उसके बाद कल देर शाम 6:30 बजे ये टूट गया। तो कैसे टूटा, किस तरह का जोर पड़ा, उसका सबूत यहां पर मौजूद है। ये एल शेप की लोहे की एंगल है जो दबाव पड़ने की वजह से टूट गई और ये लोहे का हिस्सा यहां एल शेप की एंगल टूटकर दो हिस्सों में बट गई। जहां ये नट बोल्ट कसा था वो वहां से खींचा गया और ये तब सब जब हुआ जब इस रस्सी पर अतिरिक्त जोर आया। अगर आप देखेंगे तो इस हैंगिंग ब्रिज के लिए दो लोहे की केबल्स थी, वो लोहे की केबल अभी भी एक यहां पर इंटैक्ट है, दूसरी टूटी और पुल उसी तरफ गिरा।
यहाँ अगर आप देखेंगे तो रेनोवेशन की बार बार बात आ रही है, तो रेनोवेशन के तहत इस तरह की एल्यूमिनियम प्लेट्स के साथ फ्लोरिंग की गई थी। यानी जो तार आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये वही 100 साल पुराना स्ट्रक्चर है, सिर्फ फ्लोरिंग बदली गई थी। 143 साल पुराने पुल को मोरबी की पहचान कहा जाता था। पुल की चौड़ाई करीब 1.25 मीटर यानी 4.6 फीट थी, यानी इतनी कि सिर्फ 2 लोग आमने सामने से गुजर सके। लंबाई 233 मीटर यानी 765 फीट थी, इसी वजह से करीब 500 लोग पुल पर थे। पुल दरबारगढ़ महल को लखदीर जी इंजीनियरिंग कॉलेज से जोड़ता था। इस पुल को मोरबी के पूर्व शासक सर वागजी ने बनवाया था। इसके लिए उस जमाने में पूरा मटेरियल इंग्लैंड से मंगाया गया था। गुजरात टूरिज्म की वेबसाइट पर इसे इंजीनियरिंग मार्वल बताया गया है। पुल चूंकि 143 साल पुराना था, इसलिए इसकी मरम्मत भी बार बार होती रही। इस बार भी ऐसा ही हुआ था। इसी साल मार्च में इस पुल को रिपेयरिंग के लिए बंद कर दिया गया था। रिपेयरिंग का जिम्मा ओरिवा ग्रुप को दिया गया। कंपनी अजंता घड़ियां बनाने के लिए मशहूर है। करीब 7 महीने तक पुल बंद रहा और गुजराती नववर्ष पर यानी 26 अक्टूबर को पुल लोगों के लिए खोला गया। अब कायदे से तो 7 महीने में पुल की पूरी रिपेयरिंग हो जानी चाहिए थी, लेकिन रिपेयरिंग के नाम पर क्या हुआ, ये आपको हमारे संवाददाता पवन नारा बता रहे हैं। अगर आप ऊंचाई का अंदाजा लगाना चाहते तो यहाँ आइए। ये किले के बाहर से दीवार, ये पेडेस्ट्रियन वे बनाया गया है जहां इस पुल पर लोग आ सकते थे। इस पुल को भी रेनोवेट किया गया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहां मेरे कैमरामैन यहीं बने रहे, ये पुल की जो फ्लोरिंग है उसे रेनोवेट किया गया है। ये आप जो लोहे के हिस्से देख, लकड़ी के हिस्से देख पा रहे हैं, ये पुल के पहले हिस्से थे जिसके जरिए यहां आया जा सकता था, छज्जा बना हुआ था, लेकिन अब इनको यहां फ्लोरिंग के जरिए बदला गया था और लोग यहां से आ सकते थे। यानी बेहद संकरा रास्ता है, लगभग 3 फीट चौड़ा ये पुल था जो टूटा है। और अब अगर कैमरामैन थोड़ा सा आगे आए तो आपको हाइट का अंदाजा हो जाएगा कि किस हाइट की हम बात कर रहे हैं। यहां से लगभग 35 से 40 फीट गहरा है और सब वहां पुल से नीचे गिरे। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि स्पष्ट संकेत ये है कि पुल की जो रेनोवेशन हुई थी उसमें सिर्फ फ्लोरिंग बदली गई थी, फ्लोरिंग के अलावा किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ था। स्ट्रक्चर वही 100 साल पुराना है, झूल तो पुल लिखा गया है, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वार्निंग भी दी गई है। आप इस वार्निंग पर जरा गौर कीजिए कि यहां वार्निंग दी गई है नो सेल्फी जोन, लेकिन बावजूद इसके बहुत से लोग सेल्फी खींचने के लिए वहां टिके हुए थे। यानी रिपेयरिंग पूरे पुल की होनी थी, जिसमें वो तारें भी शामिल थी जिनके सहारे ये पुल पिछले 143 सालों से खड़ा था, लेकिन 7 महीने तक रिपेयरिंग सिर्फ इस पुल की फ्लोरिंग और साज सज्जा की गई। यानी पूरी कोशिश यह की गई कि पुल बाहर से ठीक दिखे, नया दिखे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पर आए, लेकिन वो अंदर से कमजोर ही था, जर्जर बना हुआ था। थोड़े से लालच के लिए ये पूरी लापरवाही की गई, जिसकी वजह से इतने ज्यादा लोग मारे गए। कंपनी ने जब दोबारा ये पुल खोला तो बाकायदा इसके लिए टिकट भी वसूली गई। झूलते पुल की टिकटें दिखाई देंगी जो यहाँ पड़ी हुई हैं, यानी बाकायदा यहाँ आने के लिए टिकट लेनी पड़ती थी। लेकिन सवाल ये है कि कैसे इतने लोगों को ये टिकट दे दी गई। 70 रुपए की ये टिकट है, जो तारीख है 28 अक्टूबर की, एक ऐसी टिकट पड़ी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कहा जा रहा है कि पुल रेनोवेशन के बाद शुरू हुआ था, रेनोवेशन सिर्फ फ्लोरिंग का हुआ था, बाकी पुल वैसा ही है जैसा 100 साल पहले बना था, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। रविवार को छुट्टी थी, लोग पुल पर घूमने के लिए आ गए। जिस कंपनी ने रेनोवेशन किया वही टिकट भी बेच रही थी। ज्यादा लोग तो ज्यादा टिकटें बिकी, यानी ज्यादा फायदा। इसी वजह से पुल पर क्षमता से कहीं ज्यादा लोगों को जाने से नहीं रोका गया, जिसकी वजह से पुल की 143 साल पुरानी केबल भार सहन नहीं कर पाई और टूट गई। आप सोच रहे होंगे केबल्स जो लोहे की हैं वो कैसी थी, तो देखिए ये वो केबल है जिसका एक हिस्सा टूटकर यहां पड़ा है
और यही जब केबल टूटी तो ये स्थिति ऐसी बनी कि 140 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अगर आप इस केबल के इनको हिस्सों को देखेंगे तो ये केबल के सबसे छोटा हिस्सा है जिस पर जंग है, स्ट्रेस ज्यादा होने की वजह से ये टूट गया। और यहाँ इतनी मोटी केबल टूट गई तो आप समझिए किस तरह का स्ट्रेस इस केबल पर पड़ा होगा। इस तरह की सबसे छोटी केबल उसको जोड़कर एक ही केबल बनी और इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 केबल के साथ एक बड़ी केबल बनती है। तो सोचिए इतने सारी केबल टूट गई तो कितना दबाव पड़ा होगा। अगर आप ऊपर देखेंगे तो इस केबल का पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा। एक वायर अभी भी इंटैक्ट है, दूसरी वायर बाकी है और ये हादसा हुआ यहाँ वो सीसीटीवी कैमरे में स्पष्ट दिखाई दिया है। यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है, यहाँ भी लगा है, सामने भी लगा है, तो सीसीटीवी कैमरे में ये घटना पूरे तरीके से कैद हुई है, जिसके बाद ये आकलन कर पाना मुश्किल नहीं होगा कि किस तरीके से हादसा हुआ, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या हुई। हादसे की असल वजह जानने के लिए हमारे संवाददाता पवन नारा पुल के दूसरी तरफ गए। दूसरी तरफ से पुल टूटा हुआ नहीं था, लेकिन रेनोवेशन और रिपेयरिंग के नाम पर की गई धोखाधड़ी और लापरवाही यहां भी दिख रही थी। पवन को इस पुल को रेनोवेट करने के नाम पर किए गए फर्जीवाड़े के कई सबूत मिले। साफ नजर आता है कि पुल फिट नहीं था। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जरा ये देखिए, ये पुल का वो हिस्सा है जो दूसरे छोर पर आकर जुड़ता है और जो ये हरे सरिये हैं जो ऊपर तार से जुड़े हुए हैं, नीचे गले हुए थे और गले हुए हिस्से पर वेल्डिंग करके नया हिस्सा जोड़ दिया गया, जबकि इस पूरे तार को बदले जाने की जरूरत थी। सिर्फ ये ही नहीं, अगला देखिए, अगले में भी आपको ये मोटा सरिया जंग लगा हुआ स्पष्ट दिखाई देगा जिसको वेल्डिंग करके इस प्लेटफॉर्म को अटैच किया गया है। 1, 2 अगला चलिए, अगला अगर वहां जाएंगे तो वहां भी सरिये की स्थिति आपको कुछ वैसी ही नजर आएगी। जंग लगा हुआ छोटा सरिया बाकायदा वेल्डिंग करके उसे सरिया अटैच किया गया और उसके बाद ये पोडियम लगाया गया। इस तरह से आगे चलिए, आगे लास्ट वाले में देखेंगे तो वहां भी आपको ऊपर से जोड़ दिखाई देगा। यानी कुल मिलाकर ये जितने भी ऊपर कनेक्टिंग सरिये जोड़े गए, जो यहाँ लगाए गए हैं, वो गली हुई हालत में थे और उनको वेल्ड करके पोडियम को संभालने की स्थिति में लाया गया। जबकि असल में अगर आप सचमुच इस पुल को सुरक्षित बनाना चाहते थे तो आपको ये बदलने चाहिए थे। मेरे कैमरामैन को कहूंगा अगर वो मेरे पास अगर आ पाए तो ये वो सरिया है, लगभग आधे इंच का चौड़ा सरिया है जो सीधे ऊपर वाली वायर तक जाता है। और अब ये देखिए, ये हिस्सा पुराना होने की वजह से गलने की स्थिति में है और इसी हिस्से को यहां ऊपर जाकर वेल्ड किया गया है और इसी वेल्डिंग के जरिए इस तरीके से इस पुल को काम चलाऊ बनाने की कोशिश की गई। यानी पुल को जोड़ने वाली जो तारें पुरानी होने की वजह से गल गई थी, उन्हें बदला नहीं गया बल्कि उन्हें वेल्डिंग से जोड़ दिया गया और नया पेंट कर दिया गया। इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा जैसे जैसे मलबे को कुरेद रहे थे, वैसे वैसे लापरवाही और धोखाधड़ी के सबूत मिल रहे थे। इस वक्त हम झूलते पुल के मलबे में हैं जो नदी से निकालकर साइड में रख दिया गया है और यहाँ बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो दिखाते हैं कि ये रेनोवेशन के नाम पर पुल पुराना ही था, सिर्फ ये फ्लोरिंग आप देख रहे हैं ये बदली गई थी। हम इस पुल को पुराना क्यों कह रहे हैं, आपको जरा यहाँ आना पड़ेगा। ये वो मोटी तार है जिस पर ये पुल टिका हुआ था, जो एक तार टूटी उनमें से एक, उसके ऊपर जो एक क्लिप है, इस तरह की क्लिप लगाकर बाकी सरियों को जोड़ा गया था। तो उस क्लिप की हालत अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा नजदीक आ पाए तो दिखा पाएंगे कि ये क्लिप पूरी तरह से जंग के टूट चुकी है, नट खुल नहीं सकते। ये क्लिप आज भी वैसी ही है, इसको रिपेयर करने की, देखने की, सुधारने की कोई कोशिश नहीं हुई। इस तार से इस पुल के फ्लोर को इस तरह के सरियों से सस्पेंड किया गया है, लटकाया गया है, जिसे लटकता हुआ पुल कहते हैं। ये ओरिजिनल सरिया है जो पुराने जमाने का है, इसी सरिये का हिस्सा नीचे आता है जिस पर ये फ्लोर अटैच किया गया था।
चूंकि ये सरिया नीचे से गल गया तो यहाँ सरिये का दूसरा निचला हिस्सा यहाँ से जोड़कर फ्लोर को अटैच कर दिया गया, और इस तरह का जुड़ाव सिर्फ यहाँ नहीं, ये देखिए इस वाले हिस्से में भी आप देखेंगे तो पुराना सरिया छोटा पड़ रहा था, उसके नीचे दूसरे हिस्से में सरिये को वेल्ड करके जोड़ा गया। ये सवाल तो सब पूछ रहे हैं कि जब 7 महीने तक ये पुल बंद था तो इसकी रिपेयरिंग क्यों नहीं की गई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस मोरबी नगरपालिका ने पुल को रिपेयर करने की जिम्मेदारी ओरेवा ग्रुप को दी थी, उसे जानकारी ही नहीं है कि ये पुल कब खुल गया। उसे पता ही नहीं है कि इस कंपनी ने पुल खोलने से पहले फिटनेस सर्टिफिकेट लिया या नहीं। कई रीते तूटी गई नहीं, कैपेसिटी शू होती है ना, कोई फिटनेस सर्टिफिकेट हमने लीधेला है कि नहीं, ये हमारी कोई जानकारी में हाल में नहीं। अने आजे हमने जाणवा मळ्युं के सांजना समय अचानक आना पर माणसो जे छे एनुं जे समग्र मेंटेनन्स एना पर जवा आवता माणसोनुं अने केटलाने जवा देवा एनी शू कैपेसिटी छे, ए कैपेसिटीथी वधारे माणसो एमना द्वारा जे छे ए ऑफिशियली मोकलवामां आवे अने आ घटना बनेली छे अने एनुं रेस्क्यू वर्क अत्यारे अमे करी रह्या छे। मोरबी नगरपालिका के चीफ ऑफिसर संदीप सिंह बहुत ज्यादा भोले बन रहे हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि कंपनी ने कौन सा मटेरियल लगाया, कैसे रिपेयर किया, फिटनेस सर्टिफिकेट था या नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता। ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसे ही लीपापोती हो रही है। आज ये छे एक स्पेशलाइज रिनोवेशन छे, ये स्पेशलाइज रिनोवेशन करवा माटे एक प्राइवेट कंपनी जे छे एने अमारी साथे थी एनु लीधेलू हतु कॉन्ट्राक्ट पर अने एमने प्राइवेटली एनु रिनोवेशन करायु छे। के प्रकारनु ग्रेड मटेरियल वापरेलू छे एनु हजु कोई ऑफिशियल ख्याल नथी आपवामां आवे के आ बरोबर छे, चालवा योग्य छे। ये जेते एमने जे प्राइवेट कॉन्ट्राक्टर के कई रीते करेलू छे, એમણે જેમની પાસે કરાવ્યું હોય એની પાસેથી એમણે સર્ટિફિકેટ પ્રાઇવેટલી મેનેજ કર્યું હશે કે મેળવ્યું હશે એનો રેકોર્ડ અમે માગવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ, પણ એમના પ્રતિનિધિઓ જે છે એ અત્યારે કોઈ સંપર્કમાં આવી નથી રહ્યા। હાલે એમની જે ત્યાં ઓફિશિયલ કેબિન છે ત્યાંથી અમે રેકોર્ડ જપ્ત કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરેલી છે। જેસા લાપરવાહી ઓર લીપાપોટી ભરા યે બયાન હે, હાદસા હોને કે બાદ અબ વહી લીપાપોટી વાલી કાર્રવાઈ ભી હો રહી હે। 134 લોગ મારે ગયે લેકિન ગિરફ્તાર સિર્ફ 9 લોગો કો કિયા ગયા હે, વો ભી કોન હે जरा ये भी देख लीजिए। ओरेवा कंपनी के 2 मैनेजर, 2 क्लर्क जिन्होंने टिकट काटे, 2 कॉन्ट्रैक्टर जिनका ठेका था और 3 गार्ड जो सुरक्षा में तैनात थे। उसमें से दीपक भाई नवीन चंद्र भाई पारेख एज 44 ओरेवा कंपनी का मैनेजर छे। दूसरा दिनेश भाई मनसुख भाई दवे ये पण ओरेवा कंपनी के अंदर मैनेजर है। तीसरा मनसुख भाई वालजी भाई टोपिया एज 59 ये टिकट क्लर्क का काम करते हैं। चौथा मदर भाई लाखा भाई सोलंकी ये भी वहाँ टिकट क्लर्क का काम करते हैं। इसके साथ साथ जो इस पूरी जो रिपेयरिंग की काम हुई उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे उसमें से 2 लोग धांगध्रा के हैं, जिनका नाम है प्रकाश भाई लालजी भाई परमार, ये ब्रिज रिपेयरिंग कॉन्ट्रैक्टर है। दूसरा देवांग भाई प्रकाश भाई परमार एज 31 ये दोनों ब्रिज के कॉन्ट्रैक्ट के रिपेयर करने काम करते हैं। साथ साथ इस अखी टीम के अलावा 3 ऐसे लोग भी हैं जो पूरी नेग्लिजेंट एक्ट जिसमें लोगों को रेगुलेट करना होता है, ज़्यादा लोगों को निकालने का काम होता है, ज़्यादा लोग वहाँ की स्ट्रेंथ से बाहर नहीं निकले, तो इस तरह की जो सिक्योरिटी गार्ड थे ये 3 लोगों को उसमें अरेस्ट किया गया है। क्या मोरबी की इस घटना के लिए सिर्फ यही 9 लोग जिम्मेदार थे? गुजरात पुलिस के इन अधिकारी से ये भी सवाल पूछा गया कि क्या सिर्फ कंपनी के मैनेजर, टिकट क्लर्क और सिक्योरिटी गार्ड ही दोषी हैं? मालिकों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? सुनिए राजकोट रेंज के आईजी ने क्या कहा। आपको पहले बताया है जो पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जिन लोगों का प्राथमिक तबक्के इनका रोल आया है उनको पुलिस ने अरेस्ट किया है। अभी पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन इसमें जिसकी जवाबदारी बनेगी उसके विरुद्ध में पुलिस द्वारा भविष्य के अंदर जैसे जैसे स्टेटमेंट आएंगे, एविडेंस इकट्ठे होंगे, पुलिस द्वारा पकड़ा लिया जाएगा।
गुजरात पुलिस के आईजी से यह सवाल क्यों पूछा गया था, यह समझने के लिए आपको तस्वीरें देखनी होंगी। ये 26 अक्टूबर की तस्वीरें हैं, जब ओरेवा कंपनी के मालिक जयसुख भाई पटेल ने इस पुल का उद्घाटन किया था। वो बाकायदा अपने पूरे परिवार के साथ आए थे। इस पुल पर चल चल कर उन्होंने खूब फोटो खिंचवाए थे। तब उनसे पूछा गया था कि ये पुल कितना चलेगा, तो जयसुख भाई ने बड़े दावे से कहा था कि 10 साल तो कुछ भी नहीं होगा। आप खुद सुनिए। आज जे रिनोवेशन कर रहेलू छे अमारी दृष्टिए जे रीते अमे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ने जे बधुं छे एना मुजब 8 થી 10 વર્ષ સુધી આ બ્રિજ ને કઈ નહીં થઈ શકે, એટલે એ કોઈ પહેલું નથી। સાંજના 6:30 વાગ્યા સુધી ઓપન કરીએ છીએ, પણ જે રીતે ઘણા બધા લોકોનું કહેવું એવું થયું કે લોકો જમીને ડિનર આપ્યા પછી બી જે રાત્રે ફરવા માટે નીકળતા હોય છે, અને એ લોકોની એક ડિમાન્ડ છે કે રાતના સમયે તમે 2-3 કલાક ઓપન કરો, તો અમે લાઇટિંગની બધી એરેન્જમેન્ટને એ બધું કરવા જઈ રહ્યા છીએ, અને કદાચ આવતા થોડા સમય પછી એ રાતના સમયમાં બી 2 કલાક માટે ઓપન કરવામાં આવશે। કુલ મિલાકર કાર્યવાહીમાં ભી લાપરવાહી ઓર લીપાપોતી હો રહી હૈ, क्योंकि हादसे के लिए सिर्फ रेनोवेशन करने वाली कंपनी ही जिम्मेदार नहीं हो सकती। जिम्मेदारी उस प्रशासन की भी तय होनी चाहिए जिसने ये ठेका इस कंपनी को दिया, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि बिना प्रशासन और नगर पालिका की जानकारी के कंपनी ने आम लोगों के लिए पुल को खोल दिया हो। और प्रधानमंत्री मोदी आपको बता दें कि हादसे पर हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को रेस्क्यू ऑपरेशन और पीड़ितों को मदद राहत बचाव काम की डिटेल दी जा रही है। तो जिस तरीके का हादसा हुआ है मोरबी में, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल रेस्क्यू ऑपरेशन की भी पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी हासिल कर रहे थे, और इस वक्त भी ये हाई लेवल मीटिंग जारी है। इसमें गुजरात के सीएम भी मौजूद हैं, जिनसे जानकारी ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक बड़ा हादसा गुजरात के मोरबी में हुआ, जहां एक ब्रिज गिरने से, एक पुल गिरने से 134 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। कई लापरवाहियां उजागर हो रही हैं। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, एसआईटी गठित कर दी गई है, और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पूरे मामले पर, इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं, और एक एक डिटेल, एक एक जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रही हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए। पीएम हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, गुजरात के सीएम भी इस बैठक में मौजूद हैं, डीजीपी इस बैठक में मौजूद हैं, और एक एक जानकारी प्रधानमंत्री हासिल करते हुए, ताकि जो गुनहगार हैं 134 जिंदगियों के, उन्हें जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।